नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी क्लब में और ये है डायमंड वर्क का पार्ट 3 तीसरा वीडियो, जिसमें मैं बताने वाला हूँ जो मेरे पढ़ाने का तरीका है टाइप बाय टाइप। इसमें मैं टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में डिस्कस करूँ। अगर जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि पहले दो वीडियो जो मैंने अपलोड किए वो जरूर देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। और कुछ मैं जानकारी भी दे देता हूँ पैकेज के बारे में, जो मैंने बोला है कि पैकेज से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप पैकेज परचेज कर सकते हैं जिसका चार्ज ₹20 है ओनली, जिसमें कुछ मेहनत लगे इसलिए मैंने इसका चार्ज रखा है। ऐसे मैं ये फ्री में भी दे सकता था, लेकिन थोड़ा सा मेहनत के कारण मैंने इसको ₹20 रखा है, जो बहुत ही कम है। और आप इस पैकेज को बना लेते हैं तो मोर देन 90-95% क्वेश्चन आपके बुक में से कोई भी बुक आप ले लें, कोई भी बुक मैं बोल रहा हूँ, आप से बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप इस पैकेज को पहले बनाएंगे तो अगर मेरे साथ जो मैं टाइप बाई टाइप जो बता रहा हूँ अगर उसको आप फॉलो करते जाएं तो मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप डायमंड वर्क किसी भी बुक से आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस पैकेज के बारे में जानना है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं इसके बारे में कैसे इसको परचेज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 2 और टाइप 3। टाइप टू में क्या होने वाला है, जैसे मैंने कि टाइप 1 के बारे में बताया था कि जब जो इफिशियंसी है वो डेज के रूप में दी रहती है, इफिशियंसी डेज के रूप में दी रहती थी और हम लोग इफिशियंसी का रेशियो निकालते थे, इफिशियंसी निकालते थे क्योंकि इफिशियंसी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेज के। इसको मैंने बताया था ई और टी से वर्क कैलकुलेट करते थे और उसको इक्वेट करते थे। तो आज जो टाइप में बताने वाला हूँ इस टाइप में जो इफिशियंसी है वो डायरेक्ट दी हुई रहेगी रेशियो के रूप में, डायरेक्ट दी हुई रहेगी रेशियो के रूप में, जिसका स्टेटमेंट इस तरह रहता है जैसे कि ए इतना कार्य एक एक ही कार्य की क्षमता मतलब ए की इफिशियंसी बी से इतनी गुनी है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये ए और बी की रेशियो इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन टाइप 2 का पहला क्वेश्चन एक देखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ पाएगा। तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, लिखा है ए की कार्य की क्षमता बी की 1.5 गुनी है, यदि दोनों मिलकर काम करने को 18 दिन में करते हैं तो बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन से हमको साफ पता चल रहा है कि जो इफिशियंसी ए और बी का इफिशियंसी है वो क्या है, अगर बी को 1 मानते हैं तो ये हो जाएगी 1/2, जिससे अगर मैं लिखूं तो 3/2 रेशियो 1 और ये हो जाएगी 3:2। तो यहां से तो डायरेक्ट पता चल गया इफिशियंसी ए और बी हमारी कितना दी हुई है 3:2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है दोनों मिलकर काम करते हैं 18 दिनों में। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं तो टोटल वर्क पहले निकालते हैं, तो जो दिया है उसके आधार पर टोटल वर्क क्या होगा, दोनों दिया हुआ है तो दोनों 18 डेज में करते हैं तो दोनों ए और बी मिलकर, तो इफिशियंसी ए और बी की दोनों कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी प्लस 3+2, 3+2 कितना हो जाएगी 5×18। और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करता हूँ कि ये आगे जाकर कटना ही है, इसमें किसी रूप में कटेगा ये डिविजिबल होगा, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई ही नहीं करता। आप ये ध्यान दीजिएगा कि मैं वर्क जो यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ 90 लिख सकता हूँ कि 90 यूनिट वर्क करने को है, लेकिन यहाँ लिखने कोई फायदा नहीं क्योंकि आगे ये जाकर कटेगा। तो ये ध्यान दें कैलकुलेशन के मुताबिक ये बहुत ही आसान हो जाता है कि आगे जाके इसको सॉल्व भी करना है तो यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई करके लिखें, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 5×18 ये यूनिट वर्क करना है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी अकेले कितने दिन में कर सकता है, तो बी की इफिशियंसी आपको पता चल गई कि 2 है। ठीक है, और आपको पता है कि ई इंटू डी होता है इफिशियंसी और डेज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इफिशियंसी बी की कितनी है 2 है, और कितना दिन में काम करेगा बेचारा हमको तो पता है नहीं, और कितना काम है तो 5×18। यहाँ साफ साफ देख रहे होंगे यहाँ 9 कट गया, x=45 डेज, जो बी है वो 45 डेज में अकेले काम करेगा, सिंपल सा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसी बेस्ड पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं टाइप 2 का ही, टाइप 2 का एक और बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, देख रहे होंगे ए की क्षमता बी की 2 गुनी है। ठीक है, यहां से तो पता चलेगा ए रेशियो बी का। ठीक है, उसके बाद जबकि सी के कार्य करने की क्षमता ए की 1.5 गुनी है,
यदि ए और बी मिलकर 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो ए बी सी तीनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत ही ईजी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन से साफ पता चल गया आपको ए रेशियो बी इफिशियंसी, ए रेशियो बी आपका कितना दिया हुआ है 2:1। ठीक है, अब इफिशियंसी अलग से दी हुई है सी रेशियो ए की, इफिशियंसी सी इफिशियंसी ए दी हुई है कितना 1:1, जिससे आपको पता चल गया 3:2 यहाँ से मैंने निकाला था। तो यहाँ से सी और ए की रेशियो 3:2 है, ए और रेशियो बी की 2:1। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए 2 है, यहाँ भी ए 2 है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी, सब इफिशियंसी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ए 2 हो गया, उसके बाद बी कितना हो गया 1 हो गया, और सी कितना हो गया 3 हो गया। इफिशियंसी तीनों के एफिशियंसी निकल गया। बस क्वेश्चन सॉल्व, इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं, आप सिर्फ इक्वेशन बनाइए। वर्क कितना करने को है, तो वर्क क्वेश्चन के अनुसार हमको निकालना पड़ेगा। दोनों मिलकर मतलब ए और बी मिलकर 24 दिनों में करते हैं, ए और बी का है कितना एफिशियंसी 2:1 मतलब 3, और कितने दिनों में करते हैं 24 दिनों में करते हैं, तो इतना यूनिट वर्क करने को है। मल्टीप्लाई मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करने वाले हैं, तीनों मिलकर करेंगे एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेते हैं पहले तीनों का 2+1 मतलब 6 हो गया एफिशिएंसी। कितने दिनों में करेंगे पता नहीं, यहाँ पे ई यहाँ पे डी फिर से यहाँ पे 3×24 यहाँ पे ई और डी एक्स से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6×4 = 12 आंसर 12 डेज। देख लिया आपने कितना ईजी है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप थ्री की। टाइप थ्री भी इसी बेस्ट पे है, टाइप थ्री भी इसी बेस्ट पे है, जिसमें आपको इफिशियंसी का ही रेशियो दिया रहेगा, लेकिन इफिशियंसी का रेशियो जो यहाँ डायरेक्टली टाइप टू में दिया था इसमें नहीं देगा। इसमें जो इफिशियंसी है वो परसेंटेज के रूप में होगा, परसेंटेज के रूप में होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि जो इफिशियंसी का रेशियो तो दिया हो रहेगा लेकिन परसेंटेज के रूप में दिया रहेगा। तो टाइप थ्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे। आप मेरे पैकेज से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, पैकेज लेने का तरीका आप मेरे फेसबुक पेज से जान सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं टाइप थ्री का, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि इफिशियंसी दिया रहेगा लेकिन परसेंटेज के रूप में दिया रहेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। ए की कार्य करने की क्षमता बी की 25% अधिक है, तो आपको साफ पता चलेगा ए और बी की रेशियो दी हुई है। यदि ए उसे 24 दिन में पूरा करता है, 24 डेज में पूरा करता है सिर्फ अकेले ए, तो बी उसे कितने दिन में करेगा। तो चलिए जान लेते हैं कितने दिन में करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ए रेशियो बी इफिशियंसी, फिर ए रेशियो बी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रहा है कि 25% अधिक है, ए की कार्य करने की क्षमता बी की 25% अधिक है। तो बी अगर 100 करता है, 100 क्षमता है, तो ए की क्षमता कितना हो गई 125। आप इसको आसानी से पता कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो आपको होगा नहीं। 100 है तो 125, क्योंकि 25% अधिक है, 25% नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है 25% अधिक है, मतलब 100 तो है ही लेकिन 25% अधिक है। तो यहाँ 100 हो गया बी और ये 125 हो गया। इसको आप सॉल्व करें तो आसानी से आप 5:1 लिख सकते हैं। ठीक है, डिफिशियंसी 5:4 आ गया। अब जब 5:4 आ गया तो जैसे क्वेश्चन बनाते हैं उसी तरह क्वेश्चन यहाँ बनाएंगे। तो बी वर्क निकालेंगे, तो वर्क यहाँ इफिशियंसी का रेशियो निकल चुका है, अब यहाँ पे वर्क निकालेंगे। तो वर्क यहाँ से निकल जाएगा 5×24, क्योंकि ए का दिया हुआ इफिशियंसी 4 और 24 डेज इतने दिन में काम कर सकता है, तो वर्क इतना है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि निकालना है बी का। तो बी का इफिशियंसी 4 कितने दिन में, x दिन में, इफिशियंसी इंटू डेज, बार बार बता रहा हूँ इफिशियंसी डेज से ही सब काम हो रहा है, 5×24, 4×6 x=30 डेज। क्वेश्चन सॉल्व्ड, इतना आसान था। टाइप वन में डायरेक्टली रेशियो दिया हुआ था, आप डायरेक्टली रेशियो निकाल कर काम कर सकते हैं, और टाइप टू में रेशियो दिया हुआ है लेकिन परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज आपको रेशियो निकालना है। तो टाइप टू भी क्लियर हो चुका है, टाइप थ्री भी क्लियर हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका कोई भी दिक्कत हो तो आपको ये क्लियर करवाऊंगा।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल के लिए घंटी जरूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, मैं धीरे धीरे जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपको पता चलता रहे।